बात करेंगे अब डींडवाना की। सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए हर साल लाखों रुपए का बजट जारी किया जाता है, लेकिन गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और पंचायती राज विभाग में बाबूशाही हावी होने के कारण ग्रामीण विकास का सपना साकार नहीं हो पाता है। हालात यह हो जाते हैं कि गाँव के लोग पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। डींडवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत निम्बी खुर्द भी उदासीनता के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गई। वहीं लोग भी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। वीडियो में आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वे ग्राम पंचायत निम्बी खुर्द की है। चारों ओर फैली गंदगी, जाम हो रखी ये नालियां और टूटी हुई सड़कें ग्राम पंचायत की हकीकत खुद ही बयां कर रही है। इस पूरे गांव की नालियां कचरे और गंदगी से जाम हो चुकी है। गांव में जगह जगह कचरा बाहर रास्तों पर फैल रहा है। वहीं नालियों की सफाई नहीं होने के चलते कीचड़ गांव के रास्तों पर फैल चुकी है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और गांव में बीमारियां भी फैल रही है। इस गांव की अनेक भीतरी सड़कें जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं दौलतपुरा से निम्बी कला जाने वाली सड़क लंबे समय से बदहाल पड़ी है, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। वहीं मनरेगा के कार्यों में भी गड़बड़ियों के ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान सरपंच ने गाँव में कोई विकास काम नहीं करवाया है और जो काम करवाए गए हैं वह भी केवल अपने चहेते लोगों को लाभ पहुँचाने की मंशा से करवाए गए हैं। अब यह भी आश्चर्यजनक है कि इस गाँव में महिला सरपंच है मगर उनकी जगह है उनके ससुर सरपंची करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों को सरपंच के ससुर ही अंजाम देते हैं, जो सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों का हनन है। डींडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। रास्ता की तीनों रास्ता है 10-15 साल हुआ समस्या है कादो की चढ़ ने यही रेवे आबाजाबाम सब का दिक्कत है और प्रशासन करे तो कर बात देखो नहीं सर। यहाँ पर बावरियों के मोहल्ले में गंदे पानी के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा रिचार्ज ट्यूबवेल खोदी गई है और ये एक साइड में नालियों भी बताई गई है, दूसरी साइड में सीताराम बावरी ने मना कर दिया ये मेरी जमीन है, इसलिए नाली का निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है, सड़क यदि पंचायत के द्वारा की हुई है और वो टूट गई है गारंटी पीरियड के तहत तो उसको चेक करवाएंगे और यदि समय सीमा समय के तहत ही कसरती कर चुकी है तो उसकी जांच करवा करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साफ सफाई के लिए पंचायत में से कोई फिक्स बजट नहीं आता है, SFC और FFC में से ही पंचायत प्रस्ताव लेके को कार्य करवाती है, उसके लिए हम पंचायत को पाबंद कर देंगे। यदि ज़्यादा कीचड़ गंदगी है तो उसका नाली को रिपेयर किया जाए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।